इंजीनियरिंग आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसने अपना एक नया लो बना लिया है, तो लोगों में यहाँ काफी डर है कि क्या इसमें लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। तो गाइस आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये वीडियो पूरा देखेगा आपको सारे करंट एसएमई कैटेगरी का आईपीओ और हर्षा इंजीनियरिंग का जीएमपी और कई सारे डिटेल शेयर करने वाला आपके साथ। मार्केट की जो फॉल हुई है उसको भी डिस्कस करूंगा और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलने की एक्सपेक्टेड है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं। तो आप पूरा देखेगा, स्किप मत करिएगा। जब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा एसएमटी बेहतर अपडेट लाती रहती है और लाती रहेगी। तो यहां पे देख लो मार्केट एट क्लोज, जब मार्केट क्लोज हुआ है यहां पे आज हमें 1.72% निफ्टी 50 गिरता हुआ दिखा है। सेंसेक्स यहां पे 1.73, निफ्टी बैंक 2.767%। और यहां देख लो जो बीएससी की कंपनीज है गाइस, उन्होंने करीब करीब 4 लाख करोड़ का आज मार्केट कैप साफ कर दिया, मतलब 4 लाख करोड़ का नुकसान करवाया इस गिरावट में, ये सेंसेक्स पे, ठीक है, जो बीएससी पे लिस्टेड थी, ठीक है। और यहां पे ये सारी डिटेल हर दिन अपने शेयर मार्केट टॉक्स के टेलीग्राम हैंडल पे शेयर करते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट, इवन आपको कॉल भी दी जाती है, वो भी आगे बता दूंगा। तो यहां पे गाइस हर्षा इंजीनियरिंग का आईपीओ कुछ अनोखा नहीं करके आया है कि मार्केट के इस गिरावट से बच जाएगा, इसको भी लिस्ट यही होना है, इसी मार्केट में होना है, निफ्टी 50 की, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और जो बाकी स्टॉक्स हैं उनके साथ ही इसको रहना है। तो यहाँ पे मार्केट का असर इस पे भी देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि निफ्टी 50 में शामिल हो जाएगा, लिस्ट होते ही लार्ज कैप बन जाएगा, बैंक निफ्टी में शामिल हो जाएगा, नहीं, बैंक निफ्टी कैटेगरी का नहीं है और लार्ज कैप का है नहीं, तो यहाँ पे निफ्टी 50 में शामिल होने का सवाल उठता ही नहीं है, 2-4, 10-20 साल बाद हो सकता है, देखें। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो सिनेरियो है वो आपको बता दूं, यहाँ पे देखो 21 को अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट सबको मिल चुका होगा, रात को 12:40 आया था और यहाँ पे सबसे पहले एसएमटी ने शेयर किया था, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, हमने एक दो वीडियो पहले जाके बता रखा है, ठीक है, सबसे पहले शेयर किया था लिंक टेलीग्राम पे, भैया अलॉटमेंट आ चुका है रात को 12:40 पे। यहाँ पे गाइस लिस्टिंग डेट है इसकी 26 को, तो इसका लिस्टिंग डेट स्ट्रेटजी जो है वो यूट्यूब पे डाला जा चुका है, ठीक है, ये देख लो आप, लिस्टिंग डेट स्ट्रेटजी डाला जा चुका है, कितना गेन मिलेगा, क्या है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे, जीएमपी थोड़ा सा चेंज मिलेगा पर आपको पूरी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी। अगर जो आपको आईपीओ नहीं मिला है तो भी इसको जरूर देखना, आपके लिए बेस्ट बाइंग स्ट्रेटजी और साथ में बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटजी जिनको आईपीओ मिला है इसमें बताया गया, इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड और आई बटन में दे दूंगा। तो यहाँ पे गाइस ये 26 को लिस्ट होगा, 25 को एक बार मैं आपसे फिर से मिलूंगा इसको लेके, लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेके कि कहाँ पे लिस्टिंग एग्जैक्टली हो सकती है। अभी आपको इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम गाइस वो हमें काफी डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो बताने से पहले बता दूं, देखो मैंने भी बोला था आपको ना कॉल भी दी जाती है, यहाँ देख लो आज के दिन दो ही कॉल दी है क्योंकि आज काफी बिजी शेड्यूल था, ट्रैवल करना है मुझे इस चक्कर में और मैंने ये चीज मेंबर्स को रिकॉर्डिंग करके बता दी थी। देखो आराम से 2000 से 23000 तक गेन देखने को मिला, दो कॉल दी गई थी 39000 की पी, यहाँ पे बैंक निफ्टी कॉल थी और दूसरी बैंक निफ्टी की 40300 की पी और यहाँ पे अच्छा गेन दोनों में देखने को मिला है, करीब 260.1 में और करीब 200.1 में, मतलब 1000-1500 रुपए तो आराम से। और आज इंट्राडे जैसे कि हम हर दिन देते हैं तो आज भी दिया था, इंट्राडे कुछ अच्छा करता देखा, यहाँ पे एक पॉइंट गेन करके स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, ये दूसरा स्टॉप लॉस है पूरे महीने में हमारे, मार्केट गिरा भाई ये कहां संभाल सकते थे। टाटा कैम के लिए अपना पहला टारगेट अचीव किया और उसके बाद गिरा और ये भी अपना पहला टारगेट अचीव करने के बाद गिराया, तो यहाँ पे एक कॉल में स्टॉप लॉस हिट थी। तो आपको देखो इंट्राडे कॉल मिलती है, कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में इतनी शानदार कॉल, पूरे महीने में सिर्फ 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए पूरे महीने में, जबकि 2-3 कॉल यहाँ पे इस ग्रुप में हमेशा आपको देता हूँ। आपको सीपी लेना नहीं आता निफ्टी बैंक निफ्टी का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग जाके देख लो, 400 से 4000 लाइव सीखे, 400 रुपए से बेसिक ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हो सीपी वाली, जाके देख लो और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में नंबर 1 पे देने को मिल जाएगा या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो। शेयर मार्केट टॉक्स 21.3 के सब्सक्राइबर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, फटाफट ज्वाइन कर लो। और गाइस यहीं पे आपको देखो दूसरा चैनल हमारा न्यूज चैनल, यहाँ पे आपको जीएमपी शेयर किया जाता है। तो इसका जो जीएमपी है मेनलाइन आईपीओ है ये हर्षा इंजीनियरिंग का, 150 से 160 देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है, अभी ये और डाउन होता हुआ आपको देख सकते हैं कई सेंटर्स पे 160, 65, 70 क्योंकि देखो अलग अलग जगह से आती है लेकिन मोस्टली जो 150-60 के बीच में हमें आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका लिस्टिंग गेन खत्म हो गया, आपका लिस्टिंग गेन अभी बचा हुआ है। यहाँ पे अगर जो लिस्टिंग गेन की बात करूं तो करीब 7200 रुपए तक का गेन अभी देखने को मिल रहा है 160 से देखें, अगर जब इसका लो 150 से भी देखें तो भी आपको करीब 6700 रुपए गेन देखने को मिल रहा है, तो 6700 से अप्रॉक्सिमेटली 7000 गेन हमें देखने को मिल रहा है और ये जो है करीब करीब आपका 45 से 48% बनता दिख रहा है, तो कहीं 40% अबव है अभी भी, अगर जो थोड़ा और भी लो बनाया तो भी, तो यहाँ पे 30-35% की लिस्टिंग गेन फिलहाल तो जाती हुई नहीं दिख रही है, आराम से मार्केट गिरेगा तो भी, लेकिन अगर जो मार्केट गिरा और 5-10% की लिस्टिंग गेन मिला तो गाइस आपको 25 को पहले ही बता दिया जाएगा और आपको सारा कुछ डिटेल बता दिया जाएगा, रुकोगे तो इसमें गेन मिल जाने वाला है, जिसको भी अभी मिला डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फेक जीएमपी भी आपको बताई जा रही है, वो आपको 180 से 230 तक देखने को मिल रही है, यहाँ पे 2230 मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में क्योंकि मुझे अभी जस्ट मेरी ट्रेन है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 घंटे बाद वीडियो रिकॉर्ड करके मैं जाऊंगा सीधे स्टेशन, वहां पे हो सकता है ट्रेन से ये वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 180 से 230 जो है वो पुराना डेटा है, मार्केट इतना गिर चुका है, आपको लगता है जीएमपी स्टेबल होगा,
कतई नहीं होगा। जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, सीधे सीधे फेक बता रहा है। आपको मैंने फेक जीएमपी कैसे पहचाने, 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी उसमें लिखा होता फेक जीएमपी से बचें, वो जाकर देख लेना, चैनल पे स्क्रॉल करोगे 4-5 वीडियो के नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस यहां पे सेवन कैटेगरी की बात करूं तो देखो आइसोलेशन एनर्जी में भी हमें काफी प्रेशर देखने को मिला है, यहां पे 45 से 50 देने को मिल रहा है। अन्नपूर्णा में भी काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है, 52 से 55 देने को मिल रहा है। और यहां पे वेरियन क्लाउड की बात करूं तो 5 से 6 रुपए। एक बात और बता दूं, आइसोलेशन एनर्जी का जो है ना ये आपको करीब 40 बजे तक देखने को मिल जाएगा, अभी सेटल नहीं हुआ था जब मेरी बात हुई तो उस टाइम 40-45 चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान लो 40-45 तक ही है, यहाँ पे 50 मेंशन है बस। और यहाँ पे देखो 70 रुपए 72 रुपए 74 रुपए तक जा रहा था, डबल होता दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे भी जीएमपी में प्रेशर देने मिल रहा है 52-55 अन्नपूर्णा में। वेरियम में यहाँ पे 5 से 6 रुपए मतलब काफी स्टेबल है, 6 रुपए 7 रुपए इसमें डिमांड निकल रही थी। कंद्राप में 1 रुपए 2 रुपए की डिमांड थी वही है, यहाँ पे मार्क्स एनर्जी में कुछ नहीं निकल रहा है, सब्जेक्ट रेट 25,000 है। साइबर मीडिया में कोई ट्रेड नहीं, QMS में कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पे गाइस वेरियम क्लाउड का आइसोलेशन एनर्जी का मैं आपको बिल्कुल देख के बता दूंगा कि इसका IPO क्या करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये IPO गाइस शानदार है, 26 से खुलने वाला है और बहुत ही बढ़िया पैसा बना के दे सकता है। अगर जो आपको चाहिए रिव्यू कमीशन जरूर बताना सर, इसका रिव्यू बना दो तो कल तक आपको देखने को मिल जाएगा मेरे घर पहुंचने के बाद। तो यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं वीडियो को, एंड थैंक यू वॉचिंग, प्लीज जल्दी स्टे वेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।